स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बुंदेलखंड के भोले भाले लोगों से अवैध वसूली का कारनामा नया नहीं है। सरकार द्वारा सख्त निर्देशों के बाद भी अस्पताल कर्मचारी व डॉक्टर उगाही में लगे। मामला हमीरपुर के गोहांड का है, जहां आरोप है कि प्रसव के लिए आई महिलाओं से स्वास्थ्य केंद्र में तैनात नर्सों ने पैसे वसूल किए। इंजेक्शन लगाने के लिए भी 500 रुपए अलग से मांगे गए, जिस पर परिजनों ने हंगामा करते हुए बखेड़ा खड़ा कर दिया। जब पत्रकारों को इस बात की भनक लगी तो पत्रकारों ने जाकर इस बात की सच्चाई को जानने के लिए नर्सों से बात की तो नर्सों ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने पैसे लिए थे, लेकिन वापस भी कर दिए हैं। सही कह रहे हैं, इंजेक्शन अभी हम मेडिकल से 700 रुपए लिए गए हैं एक डिलीवरी के। क्या ये मामला सत्य है? नहीं लिए गए 700। तो अभी आपने रिटर्न कर दिए पैसा जो लिए? रिटर्न कर दिया। इसके पहले भी होते रहे हुए? नहीं हुआ है। ये तो पहले से भी सिलसिला चलता रहेगा? नहीं हुआ है भैया, हम लोग नहीं लेते हैं। अभी आप दोनों ने बताया कि लिए हैं, जिससे लिए वो तो यहीं पे साथ में खड़े हुए हैं ना। इन लोगों को वापस कर दिया हम लोगों ने। रिटर्न किस बात का किया है भाई? उन लोगों ने दिए, आप लोगों ने शिकायत कर दी, हम लोगों ने वापस करवा दिए। अब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जहां सरकार इन सभी कर्मचारियों को मोटी तनख्वाह देती है, उसके बाद भी ये लोग गरीबों की जेब काटने से नहीं चूकते। सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की धांधली हमेशा से चली आ रही है, लेकिन गरीब मरीज स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए इन बेईमानों का विरोध नहीं करते। कुछ यही देखने को मिला था इस अस्पताल में, जब प्रसूता को पैसे की लालच में परेशान किया गया तो तीमारदारों को गुस्सा आ गया और यह सब हंगामा शुरू हो गया। यहाँ सरकार एक तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं यहाँ काम कर रहे कर्मचारी सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटे हैं। ये शिकायत है कि हमने रुपया माल लिए, इन लोगों ने नहीं लिए और इनलिए बोले 500 लगाएंगे, तो हम 500 रुपये लिए, 700 रुपये ले लिए। किसने लिए? नाम मतलब हम चीन जानते नहीं, अगर चीन है तो हम बता देंगे। न्यूज़ बीके के लिए हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।